Welcome back to my YouTube channel. It's me Srishtha. So guys, today I will be sharing another productive study vlog. So let me tell you, when I was shooting this whole vlog, I personally felt so productive while shooting this, and I am very sure that you guys also going to feel this vlog very productive. So make sure that you watch this video till the very end. ओके सो इफ आई टॉक अबाउट कि मैं सुबह कितने बजे उठी, सो फर्स्टली आई वोक अप एट 7 o'clock और समथिंग, एंड देन आफ्टर दैट आई फर्स्टली मेक माई बेड, बिकॉज आई रियली बिलीव कि यार इफ़ यू वॉन्ट टू बी सुपर प्रोडक्टिव देन फर्स्ट स्टेप इज टू मेक योर बेड क्लीन एंड योर टेबल शुड बी ऑल्सो क्लीन. सो फर्स्टली आई मेड माई बेड एंड देन वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक टू यू नो फील मच प्रोडक्टिव. एंड आफ्टर कमिंग बैक टू द होम आई ओपन्ड ऑल ऑफ माई स्टफ एंड स्टार्टेड अप विद साइकोलॉजी, बिकॉज मेरा नेक्स्ट एग्जाम PT2 का साइकोलॉजी का है. सो स्टार्टिंग इट विद अ कप ऑफ टी एंड आफ्टर दैट मैं बैठ गई. सो बेसिकली व्हाट चैप्टर आई एम डूइंग हियर इज ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर. लाइक मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑल्सो. आई नो ये थोड़ा सा लंबा है, बट ऑल्सो इट इज अ वेरी रियल लाइफ वाला चैप्टर एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बेसिकली. सो हाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर इज आई एम जस्ट गोना ओपन अ यूट्यूब वन शॉर्ट वीडियो of human development, and then I'm going to revise my notes that I have written in my notes register. Basically I'm gonna prefer two notes. One is of my class notes jo ki main class mein banati hu. बट वॉट हैपन्स विद मी इन क्लासेस की कुछ कुछ पॉइंट्स कभी कभार छूट जाते हैं, तो हाँ इस वजह से ना मैं घर पे आके दोबारा नोट्स बनाती हूँ अच्छे से. सो उन नोट्स को लाइक दोनों नोट्स को मैं प्रेफर करी थी, जैसे कुछ पॉइंट्स अगर मेरे स्कूल वाले नोट्स में नहीं है देन आई प्रेफर बाई नोट्स जो कि मैंने घर पे बनाए थे. एंड आफ्टर दैट मैं अपने यू नो फ्लो चार्ट काइंड ऑफ नोट्स बना रही थी. सो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि चैप्टर थोड़ा सा लंबा था, तो ना इसमें लाइक यू नो जब when I was making flow chart वाले notes, then थोड़ा सा लंबा हो गया था क्योंकि chapter actually बहुत लंबा है. एंड ये व्लॉग अगर अब तक सुपर प्रोडक्टिव लग रहा है देन मेक श्योर टू कमेंट डाउन अ रेड हार्ट बिलो इन द कमेंट सेक्शन. मैं कमेंट को पिन कर दूंगी, तो जल्दी से नीचे कमेंट करो. सो गाइज अभी ना मैं लाइक बैठ कर टीवी देख रही थी. अब तुम मेरे बैकग्राउंड से इतनी कम लाइटिंग से इतना गेस कर पा रहे होगे कि मैं कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रही थी. आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग, मतलब टीवी देख रही थी, कभी फोन में स्क्रोल कर रही थी, एंड ऐसे करते करते कब रात के 10 बज गए हैं मेरे को रियलाइज नहीं हुआ है. लाइक लेट मी टेल यू, मेरा 12 बजे तक का जो सेशन था ना पढ़ाई का, दैट वॉज वेरी वेरी प्रोडक्टिव. मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी. इनफैक्ट मेरा एक चैप्टर का लाइक यू नो ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट रहता है, बाकी सब कंप्लीटेड है. एंड उसके बाद मैं 4 से 6 सेकेंड स्लॉट में भी बैठी थी एंड उसमें भी बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई थी मेरी. लाइक इट वॉज ऑल प्रोडक्टिव सेशंस. अब मेरे को रियलाइज हुआ कि 6 बजे के बाद लाइक 6:30 और 6:45 मैंने अपना सारा सामान रख दिया था एंड आई जस्ट वेंट टू कुक समथिंग फॉर मी. एंड मैंने अपने लिए कुछ बनाया लाइक राइस एंड एवरीथिंग, तो वो मैंने अपने लिए बनाए. एंड वॉट हैपेंड नाउ इज कि मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है. 6 बजे से लाइक ऑब्वियसली यू कैन से 7 o'clock और समथिंग, मैं तब से बैठ के बस टीवी देखे जा रही हूँ या फोन देख रही हूँ. तो अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू पुल एन ऑल नाइटर. लाइक जब तक मैं जग सकती हूँ ना, आई एम गोना पुल माई लिमिट्स ऑन. एंड अब मैं देखती हूँ यार कि मैं कब तक पढ़ पाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हाफ ऑफ द डे मैंने वेस्ट करा है. तो मैं चाहती हूँ कि साइकोलॉजी इज वन ऑफ माई फेवरेट, तो उसमें तो रात को मेरे को ज़्यादा नींद नहीं आएगी, फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दिस. बट नाउ लेट्स सी. एंड अभी मैं नीचे जाके बस अपनी टेबल पर पढ़ाइयाँ शुरू करने वाली हूँ. सो यस लेट्स गो. सो ना लाइक जब भी मैं गेट रेडी विद मी वीडियोस बनाती हूँ, तो लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि यार आपके बाल कितने अच्छे हैं. देन लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक. अगर तुम्हारे बड़े बाल हैं तो देखो यार, जैसे ना अभी तुम देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो गए हैं एंड मैं इनको जैसे भी लाइक मैं जैसे भी सेट कर रही हूँ ये नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ अभी अपने मनमर्जी के मालिक बने पड़े हैं. तो कल व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज वॉश माय हेयर. एंड ये देखो यार मेरे ना फेस पर भी अब धीरे धीरे पिंपल्स आ रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ माय जंक फूड. वो मैं अपने व्लॉग्स में नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि जैसे ही खाना आता है मैं सबसे पहले उसे खाती हूँ, मैं रिकॉर्ड करना हमेशा भूल जाती हूँ. तो हाँ लाइक अभी मेरा ना जंक फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि जैसे कि पता है दिवाली सीजन लाइक यू नो फेस्टिव सीजन गया था, तो उस वजह से काफ़ी ही ज़्यादा यू नो ऐसे
जंक फूड खा रहे थे हम, रोज सुबह शाम बाहर का ही खाना आ रहा था दैट वे, एंड इसलिए अब बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए हैं मेरे फेस पे, लाइक इधर इधर भी हो गए, एंड आई एम गोना फोकस ऑन माय स्किन। एंड इफ आई टेल यू अबाउट माय स्किन केयर, देन मैं स्किन केयर कुछ नहीं करती हूँ, सीरियसली कुछ नहीं करती, मतलब कुछ भी नहीं करती, मेरी स्किन ऐसे ही रहती है, लाइक आई जस्ट अप्लाई मॉइस्चराइजर इन विंटर्स एंड दैट इज इट। एंड येस, विंटर्स भी आ गई है गाइस, मैंने अपनी जैकेट्स वगैरह निकाल ली है, एंड हाँ मेरे को लाइक मेरे को ठंड लग रही है यार, इसलिए मैं तो जैकेट वगैरह पहनने लग गई हूँ, साथ ही साथ वॉर्म यू नो जॉगर्स काइंड ऑफ थिंग मैं घर में ही पहन के रखती हूँ क्योंकि मेरे को वो अच्छे लगते हैं, एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा अभी सर्दी लग रही है इसलिए। ओके, सो मैंने क्या करा ना यार, मैं बैठ गई थी रिवाइज करने, तो सबसे पहले ना मैं लाइक अपना न्यू रिविजन करने से पहले मैंने क्या करा कि जो भी मैंने सुबह पढ़ रखा था ना उन सबको रिवाइज करा, ताकि यार मेरे को वो सब चीज़ें भी याद आ जाए, क्योंकि दिन भर में बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग हो जाती है एंड इस वजह से कुछ चीज़ें हम भूल भी जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार दोबारा से सब कुछ रिवाइज करते हैं। गाइस मेरे को लाइक ऑलमोस्ट मैंने 11 बजे शुरू करा था, एंड द टाइम करेंटली यू कैन सी हियर इज 12 o'clock, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ इज एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ना अभी मैं जस्ट सब कुछ रिवाइज कर रही थी, एवरीथिंग अबाउट एडोलेसेंस, मेरा बस एक एडल्टहुड और ओल्ड एज को रिवाइज करना रहता है, तो वो मैं अभी करूँगी एंड वो नेक्स्ट पेज पे है। ये मेरे को थोड़ा सा ये एडल्टहुड और ओल्ड एज वाला जो पूरा पार्ट है वो पूरा रिवाइज करना है, एंड यस यहाँ पे मेरे नोट्स हैं जिनमें से मैं रिवाइज कर रही हूँ। तो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए मैंने थोड़ी सी कुकिंग करी, एंड आई मेड वर्मिसेली फॉर माई सेल्फ, एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। कुकिंग इज बेसिकली वन ऑफ माई हॉबीज ओनली। सो यस गाइज, दैट इज इट फॉर द टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। इफ यू रियली डिड सो, दैट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू मेक दीज टाइप्स ऑफ न्यू वीडियोज। वील मीट इन आर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।